आप हो सकता है अपना ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कराना चाहते हो $8 पर मंथ देके। लेकिन अब आपको बता दें हम कि ये अब बंद हो गया है, कंपनी ने इसे होल्ड ऑन कर दिया। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे फेक अकाउंट्स को वेरीफाई किया जा रहा था पे करके और गलत न्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा था। चलिए बताते हैं क्या हुआ। इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर पूरी तरीके से बॉट फ्री रहे और जो फेक अकाउंट्स हैं वो ट्विटर के अंदर न रहे, और उन सारे अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए भी ये सारे लोग एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में हुआ क्या, जो निंटेंडो एक कंपनी है जो कि गेमिंग कंसोल्स बनाती है, उसके फेक अकाउंट को वेरीफाई करा के गलत गलत जो है नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, उनके तरफ से न्यूज और अनाउंसमेंट जारी की जाती है। और उसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के फेक अकाउंट को वेरीफाई करा के ये न्यूज भी सर्कुलेट कराई गई कि इंसुलिन भैया अब हमारी कंपनी ने फ्री कर दिया है। तो इलॉन मस्क ने ये डिसीजन लिया है कि अभी इस सर्विस को हम कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं। हालांकि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो अभी भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं।